everyone, welcome back to my channel Tips and Makeup. I'm Manisha and आज की वीडियो एक another review video होने वाली है जो कि मेरा personally favorite brand है skin care में which is called Kiehl. So guys, I personally love to share the reviews after using the products. So before starting this video, make sure to comment, share and subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कील्स ब्रांड के एक क्लेंजर का. इसका नाम है क्लियरली करेक्टिव ब्राइटनिंग एंड एक्सफोलिएटिंग डेली क्लेंजर. सो मैं इसको यूज कर रही हूँ मोर देन 1.5 मंथ से. ये मैंने आपको अपने स्किन केयर हॉल में भी शेयर किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड आई टोटली लव द टेक्स्चर एंड द रिजल्ट्स आर वेरी फिनोमिनल. सो आपको जो ये प्रोडक्ट है वो इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है. इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है एंड ये मैंने इन्हीं के स्टोर से विजिट करके लिया था. सो ये ब्रांड जो है ये डर्माटोलॉजी के लिए टेस्टेड है. इनके सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डर्मा टेस्टेड है. गाइस, इसका प्राइस है 2450 रुपीज़ जिसमें आपको क्वान्टिटी मिल रही है 150 ml की विच इज क्वाइट इनफ. मैं इसको यूज कर रही हूँ 1.5 मंथ से एंड इसकी इतनी ऑलमोस्ट इतना जो है ये फिनिश हो चुका है. काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है एंड इसको आपको बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ करना होता है. डे एंड नाइट अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाला है. सो गाइस, इसमें है पर्ल स्टोन जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप एंड लाइटन अप करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करता है. जो भी डेड स्किन है उसको रिमूव करता है. सो गाइस, जो इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है वाइट बिर्च जो कि आपकी स्किन में नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. अब बात कर लेते हैं इसके टेक्स्चर की. सो ये कुछ ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है जो फेस वॉश है बट इसमें पर्ल्स एक्सट्रैक्ट हैं जो कि आपके स्किन में एक्सफोलिएटिंग का काम करते हैं. ऐसे ये ट्रांसपेरेंट है बट इसमें थोड़े थोड़े आपको वाइट कलर के पर्ल्स मिलेंगे जो कि बहुत जेंटली आपकी स्किन को स्क्रब करते हैं. बट स्क्रब इज नॉट द राइट वर्ड, काफ़ी ज़्यादा जेंटल है आपकी फेस पर. जो इसके पर्ल्स एक्सट्रैक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है स्किन के लिए, तो इसलिए आप डेली इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी स्किन में मेरे को पिंपल्स, अगर डेड स्किन है कोई पिंपल्स हैं एंड वाइट हेड्स जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मुझे ब्लैक हेड्स कम होते हैं बट मुझे वाइट हेड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो ये उसको भी सेटल डाउन करता है, उसमें उसको भी मिनिमाइज करता है, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड आपकी जो स्किन टोन है उसको भी थोड़ा लाइटन अप करता है. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मेरी स्किन टोन लाइटन अप हुई है. जो मेरा नॉर्मल स्किन टेक्सचर है उससे 1 से 2 स्केल मेरी स्किन जो है लाइटन अप हुई है. बट वो तभी होगा जब आप इसको डेली यूज़ करेंगे. अगर आप स्किप कर देते हैं या फिर कोई और फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर नहीं होगा इसका अच्छा रिजल्ट. एंड विद इन 1 वीक में ये अपना रिजल्ट आपको दिखाने लग जाता है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है. फ्रेग्रेंस इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा रिच फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है. देख लेते हैं कि ये क्लेम क्या करते हैं. इसमें लिखा हुआ है ये इट जेंटली एक्सफोलिएट्स, या एक्सफोलिएट काफ़ी अच्छा करता है एंड एंड हेल्प्स प्योरीफाई स्किन ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स फॉर विजिबल इम्प्रूव क्लैरिटी. सो ये जो डेड स्किन होती है, आप बाहर से आते हैं आपकी स्किन पे डेड स्किन हो जाती है, इम्प्योरिटीज डस्ट वगैरह हो जाती है, उसको काफ़ी अच्छे से क्लीन करते हैं. सो इसका जो प्रॉपर वे क्या है इसको यूज़ करने का, आपको थोड़ा सा, ये तो मैंने अभी हैंड पे काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, आपको बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है. अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है, जेंटली इसको मसाज करना है 30 टू 40 सेकेंड्स तक एंड देन इसको वॉश कर लेना है. आपकी जो नोज की साइड में जो वाइट हेड्स वगैरह हो जाते हैं, डस्ट जो इकट्ठी हो जाती है, उसको अच्छे से आप जेंटली अगर मसाज करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दे देता है ये. बहुत लोग बोलते हैं कि ये स्क्रबिंग पार्टिकल्स का काम करता है बट नो, ये स्क्रबिंग नहीं है. स्क्रबिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्श वो पार्टिकल्स होते हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है. मुझे मेरी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा सूदिंग रहा है. इवन ये ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं बट जिसकी
पिंपल प्रोन स्किन है ना, एक्टिव पिंपल्स वाली, वो भी इसको यूज करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो अगर प्राइस की बात की जाए, येस इट्स बिट एक्सपेंसिव, बट आपको काफी ज्यादा इसमें क्वांटिटी मिल रही है एंड ये बहुत ही इजिली आपको 6 मंथ्स तक चलने वाला है अगर आप इसको डेली यूज करते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज थोड़े में काम कर रही है तो ज्यादा क्यों लेनी है। सो गाइज, ये मैंने लिया था इन्हीं के स्टोर से, बट आपको ऑनलाइन ये इजीली अवेलेबल है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये था आज का छोटा सा रिव्यू, आई होप ये हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।